इस लेक्चर के अंदर हम ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस या जस्ट डिफरेंशियल इक्वेशंस को डिफाइन करेंगे, उसके बाद उसकी एग्जांपल्स को डिस्कस करेंगे, इसकी क्लासिफिकेशंस करेंगे और फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशंस के ऊपर भी बात करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हियर इज अ डेफिनेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। जी, इसकी डेफिनेशन यह है कि एन इक्वेशन containing the derivatives of one or more unknown functions. ये आपके पास एक ऐसी इक्वेशन होती है जिसके अंदर अननोन फंक्शंस के जो डेरिवेटिव होते हैं वो मौजूद होते हैं विद रिस्पेक्ट टू वन और मोर इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। जो डेरिवेटिव है वो एक वेरिएबल के लिहाज से भी हो सकते हैं, एक से ज्यादा वेरिएबल्स के लिहाज से भी हो सकते हैं। तो ऐसी सिंपल इसकी डेफिनेशन आप ये कर लें कि ऐसी इक्वेशन जिसके अंदर डेरिवेटिव मौजूद होगा वो डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाएगी। इसकी कुछ एग्जांपल यहां पे मैंने लिखी हुई है। अब जैसे फर्स्ट इक्वेशन है, इसके अंदर वाई एक डिपेंडेंट वेरिएबल है, इसका एक्स के लिहाज से एक फर्स्ट डेरिवेटिव मौजूद है, ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन है। इस इक्वेशन के अंदर भी y का सेकंड डेरिवेटिव भी मौजूद है और फर्स्ट डेरिवेटिव भी मौजूद है, ये भी एक डिफरेंशियल इक्वेशन है, ये भी आपके पास एक डिफरेंशियल इक्वेशन है। फोर्थ एग्जांपल के अंदर z का डेरिवेटिव दिया हुआ है x के लिहाज से भी और y के लिहाज से भी, तो ये भी आपके पास एक डिफरेंशियल इक्वेशन है, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाती है। इसी तरह फिफ्थ इक्वेशन जो है ये भी एक डिफरेंशियल इक्वेशन है जिसके अंदर वेरिएबल्स u के दिए हुए हैं x के लिहाज से भी, y के लिहाज से भी और z के लिहाज से भी। तो दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशंस। नेक्स्ट आपके पास क्लासिफिकेशन है। जब हम डिफरेंशियल इक्वेशन की क्लासिफिकेशन करते हैं तो उसकी कोई ना कोई बेस बना लेते हैं। अब यहां पर मैंने बेस बनाई हुई है बाय टाइप। टाइप से मुराद इसकी दो टाइप्स होती हैं, एक ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस और एक पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस। तो टाइप के लिहाज से इसकी जो क्लासिफिकेशन है उसके अंदर ये दो ही टाइप आ जाती है। तो सबसे पहले ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन की डेफिनेशन है कि इफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन कंटेन्स ओनली ऑर्डिनरी डेरिवेटिव्स ऑफ वन और मोर वेरिएबल्स, ठीक है, आपके पास डेरिवेटिव होगा जैसे u का हो सकता है विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है, उसी इक्वेशन में v का डेरिवेटिव हो सकता है विद रिस्पेक्ट टू x, ये आगे लिखा हुआ है विद रिस्पेक्ट टू सिंगल वेरिएबल। सिंगल वेरिएबल से मुराद ये है कि मैंने u का डेरिवेटिव लिया है ये x के लिहाज से, v का डेरिवेटिव लूंगा वो भी मैंने x के लिहाज से ही लेना है, किसी और इंडिपेंडेंट वेरिएबल को आपने यूज नहीं करना। मतलब u भी x का ही फंक्शन हो, v भी x का ही फंक्शन हो, तो उनके आप डेरिवेटिव x के लिहाज से ले रहे हो, तो उस इक्वेशन के अंदर ये डिपेंडेंट वेरिएबल चाहे जितने मर्जी आ जाए लेकिन इंडिपेंडेंट वेरिएबल सिर्फ एक ही होना चाहिए, सिंगल इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा, तो ऐसी इक्वेशन को हम ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन का नाम देंगे। पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन कौन सी होती है? ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन जिसके अंदर पार्शियल डेरिवेटिव्स आ जाए। अब पार्शियल डेरिवेटिव की जरूरत तब हमें पेश आती है जब इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक से ज्यादा हो, मतलब इंडिपेंडेंट वेरिएबल दो भी हो सकते हैं, दो से ज्यादा भी हो सकते हैं। तो इसकी मैंने ये डेफिनेशन नीचे लिखी हुई है कि एन इक्वेशन इन्वॉल्विंग पार्शियल डेरिवेटिव्स, जिसके अंदर कौन से डेरिवेटिव्स हो, पार्शियल डेरिवेटिव्स हो ऑफ वन और मोर डिपेंडेंट वेरिएबल्स। जो डिपेंडेंट वेरिएबल है वो एक भी हो सकते हैं, एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, विद रिस्पेक्ट टू टू और मोर इंडिपेंडेंट वेरिएबल। मतलब सिर्फ इन दोनों टाइप्स को डिस्टिंक्ट करने वाली जो चीज है वो ये है कि इसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल सिर्फ एक होता है और इसके अंदर जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो एक से ज्यादा होते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे आपको x के लिहाज से बताया था, तो PDEs के अंदर डिपेंडेंट वेरिएबल भी डिस्टिंक्ट हो सकते हैं, जैसे du ओवर dx आ जाता है और dv ओवर
डी वाई भी अलाउ होता है। अब इसके अंदर इंडिपेंडेंट वाई भी मौजूद है और एक्स भी मौजूद है, तो ये आपके पास इस तरह के जो डेरिवेटिव्स आप लेंगे उनको डी से डिनोट नहीं करते बल्कि पार्शियल से डिनोट करते हैं। तो इसको आप पार्शियल वी ओवर पार्शियल वाई लिखेंगे और पार्शियल यू ओवर पार्शियल एक्स लिखेंगे, ठीक है। तो इस सिंबल को आप कर्ली भी बोलते हैं, कर्ली यू ओवर कर्ली एक्स और कर्ली वी ओवर कर्ली वाई। तो मैं इसको पार्शियल बोला करूंगा। तो इसके अंदर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर इस तरह के डेरिवेटिव्स होंगे जिसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक से ज्यादा होते हैं। जी इसके हम एग्जांपल्स देख लेते हैं। जैसे फर्स्ट एग्जांपल आपके पास है डी वाई ओवर डी एक्स, इसमें सिर्फ जो डेरिवेटिव है वो एक्स के लिहाज से है, इसीलिए ये एक ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है। इसी तरह सेकेंड एग्जाम्पल के अंदर देखें, ये जो डेरिवेटिव सेकंड डेरिवेटिव ये भी एक्स के लिहाज से है और फर्स्ट डेरिवेटिव भी एक्स के लिहाज से है, ये भी एक ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है। थर्ड एग्जांपल के अंदर भी जो डेरिवेटिव दिया हुआ है ये पार्शियल डेरिवेटिव नहीं है बल्कि ऑर्डिनरी डेरिवेटिव है, ये भी एक्स के लिहाज से है और ये भी एक्स, इसीलिए ये भी एक ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन होगी। फोर्थ एग्जाम्पल में ये डेरिवेटिव पार्शियल डेरिवेटिव है और x के लिहाज से भी दिया हुआ है, y के लिहाज से भी, तो ये जो इक्वेशन होगी ये आपके पास पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन होगी। इसी तरह फिफ्थ एग्जांपल में भी सारे पार्शियल डेरिवेटिव दिए हुए हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल x भी दिया हुआ है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल y भी है और इंडिपेंडेंट वेरिएबल z भी है, तो ये भी आपके पास एक पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है। मजीद इसके अंदर आगे कुछ और एग्जाम्पल्स भी हैं, जैसे डी वाई ओवर डी एक्स, ये ऑर्डिनरी डेरिवेटिव है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल सिंगल है, इसीलिए ये आपके पास ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है। इसके अंदर भी सिंगल इंडिपेंडेंट वेरिएबल है एक्स, ये भी ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है। अच्छा यहाँ पर आप देखें जो डिपेंडेंट वेरिएबल है वो सिर्फ वाई है, इस इक्वेशन में भी डिपेंडेंट वेरिएबल वाई है, लेकिन ये जो एग्जाम्पल दी हुई है इसके अंदर डिपेंडेंट वेरिएबल एक्स भी है और डिपेंडेंट वेरिएबल वाई भी है, लेकिन इंडिपेंडेंट जो है ना वो सिर्फ आपके पास टी है। तो इसका मतलब है कि ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए सिर्फ इंडिपेंडेंट वेरिएबल के ऊपर कंडीशन होगी कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल सिंगल होना चाहिए, जो डिपेंडेंट वेरिएबल है वो एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। इसी तरह नीचे पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन की एग्जाम्पल्स दी हुई है, ये इसके अंदर भी एक्स के लिहाज से डेरिवेटिव है और y के लिहाज से भी पार्शियल डेरिवेटिव्स दिए हुए हैं, तो ये आपके पास पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है। इसी तरह यहाँ पर ये भी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है और ये भी आपके पास पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है। और इसके अंदर इस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में u भी डिपेंडेंट वेरिएबल है और v भी डिपेंडेंट वेरिएबल है, तो PDEs के अंदर भी जो डिपेंडेंट वेरिएबल है वो आपके पास मोर देन वन हो सकते हैं, लेकिन हमने इसकी जो ODEs और PDEs टाइप बनाई हुई है ये हमने इंडिपेंडेंट वेरिएबल के लिहाज से बनाई, डिपेंडेंट जितने मर्जी हो उससे हमारा कोई सरोकार नहीं, उससे लेना देना नहीं है। जो नीचे वेरिएबल लिखा होगा जिसके लिहाज से आप डेरिवेटिव ले रहे होंगे, अगर वो सिंगल वेरिएबल है तो वो ODE बन जाएगी, अगर वो दो एक से ज्यादा है, दो है तीन है चार है, तो फिर वो PDEs में आ जाएगी, फिर वो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन होगी। तो ये आपके पास ODEs और PDEs की एग्जांपल्स थी। नेक्स्ट हम क्लासिफिकेशन करेंगे बाय ऑर्डर एंड डिग्री। जी सबसे पहली बात, हमने ऑर्डर को डिफाइन किया हुआ है यहाँ पे, ऑर्डर ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन से क्या मुराद है। The order of a differential equation is the order of highest derivative occur in the equation. अब डेरिवेटिव के ऑर्डर से क्या मुराद है ये हम यहां पे लिख लेते हैं। ये जो आपके पास y का डेरिवेटिव है ये फर्स्ट डेरिवेटिव है, तो इसीलिए इसका जो ऑर्डर होगा ना वो आपके पास इसका ऑर्डर वन आ जाएगा। अगर सेकंड डेरिवेटिव आ जाता है डी स्क्वायर वाई ओवर डी टी स्क्वायर,
ठीक है, तो इसमें दूसरा डेरिवेटिव दिया हुआ है, ये एक सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है। इसी तरह अगर तीसरा डेरिवेटिव दिया हो तो इसका ऑर्डर जो होगा वो थ्री कहलाएगा। दूसरे लफ्जों में, आम लफ्जों में हम ये कह सकते हैं कि किसी भी इक्वेशन का जोन सा डेरिवेटिव दिया होता है वो उसका ऑर्डर होता है। अगर पहला डेरिवेटिव दिया हो तो उसका ऑर्डर वन होगा, दूसरा डेरिवेटिव दिया हो उसका ऑर्डर टू होगा, और तीसरा, ये तो होता है डेरिवेटिव का ऑर्डर। लेकिन डिफरेंशियल इक्वेशन के ऑर्डर से क्या मुराद है, दोबारा इस डेफिनेशन को पढ़े, द ऑर्डर ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन इज द ऑर्डर ऑफ हाईएस्ट डेरिवेटिव। जो इक्वेशन आपको दी हुई है सबसे पहले आपने उसमें तलाश करना है कि सबसे बड़ा डेरिवेटिव कौन सा है। अगर उसमें चौथा डेरिवेटिव भी दिया हुआ है, तीसरा भी दिया हुआ है, दूसरा भी दिया हुआ है, तो आप कहेंगे कि उसका ऑर्डर जो है वो फोर है, क्योंकि हाईएस्ट ऑर्डर वाला डेरिवेटिव जो होगा वो उसमें फोर्थ डेरिवेटिव होगा, इसीलिए उसका वो ऑर्डर कहलाएगा। मतलब जो सबसे बड़ा डेरिवेटिव होता है वो उसका ऑर्डर कहलाता है जी। नेक्स्ट आपके पास है डिग्री ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन। इसकी एग्जांपल्स अभी हम आगे अगली नेक्स्ट स्लाइड में देख लेते हैं। सर पहले उसे डिग्री को भी डिफाइन कर ले। डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन से क्या मुराद है? द डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन इज द ग्रेटेस्ट एक्सपोनेंट, एक्सपोनेंट कहते हैं पावर को, ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। एक डिफरेंशियल इक्वेशन आपको दी हुई है तो उसकी अगर आपने डिग्री मालूम करनी है तो सबसे पहले आप ये करेंगे कि उसमें सबसे बड़ा डेरिवेटिव तलाश करेंगे, और जो सबसे बड़ा डेरिवेटिव होगा उसकी आपने पावर चेक करनी है, ऑर्डर नहीं चेक करना, उसकी पावर चेक करनी है। तो वो उसका जो एक्सपोनेंट या उसकी पावर होगी वो उसकी डिग्री कहलाएगी। एग्जाम्पल हम देखते हैं इन दोनों की। जैसे देखिए यहां पे हम ये जो फर्स्ट एग्जाम्पल है ये फर्स्ट डेरिवेटिव है। इस इक्वेशन में जो डेरिवेटिव है फर्स्ट डेरिवेटिव है, इसीलिए ये जो इक्वेशन है ये फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है। डिग्री कैसे मालूम होगी? इस डेरिवेटिव के ऊपर पावर चेक करें तो इस वक्त इसके ऊपर पावर वन लिखी हुई है, तो इसका मतलब इसकी डिग्री जो है वो फर्स्ट डिग्री है। सेकेंड एग्जाम्पल में देखें, ऑर्डर मालूम करने आपने पहले, अब ऑर्डर मालूम करने के लिए इसके डेरिवेटिव्स देखें। इस इक्वेशन में सेकंड डेरिवेटिव भी दिया हुआ है, फर्स्ट डेरिवेटिव भी दिया हुआ है, तो बड़ा डेरिवेटिव कौन सा हुआ? सेकंड डेरिवेटिव। इसीलिए इस इक्वेशन का जो ऑर्डर है वो आपके पास सेकंड ऑर्डर होगा। अब इसकी आपने डिग्री चेक करनी है, तो ये जो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव है इसके ऊपर पावर चेक करो, इसकी पावर वन है, इसीलिए इसकी डिग्री जो होगी वो फर्स्ट डिग्री होगी। थर्ड एग्जाम्पल के अंदर हमने इसका पहले ऑर्डर निकालना है, तो इसमें पहला डेरिवेटिव भी है और दूसरा डेरिवेटिव भी है। दूसरे डेरिवेटिव की मौजूदगी हमें ये बताती है कि इस इक्वेशन का ऑर्डर जो है वो सेकंड ऑर्डर है। अब अगर आपने इसकी डिग्री मालूम करनी है तो ये जो पावर इसकी लिखी हुई है ना 3/2, ये फ्रैक्शन में लिखी हुई है। पहले हम इसको फ्रैक्शन को खत्म करेंगे, तो उस सूरत में ये जो इक्वेशन होगी ये कुछ इस तरीके की आ जाएगी, 1+dy/dx, और ऊपर इसका स्क्वायर भी दिया हुआ है जी। इस फ्रैक्शन को खत्म करने के लिए ये बटे के अंदर जो 2 है ना, ये स्क्वायर रूट, मतलब इस 2 को खत्म करने के लिए दोनों तरफ हम स्क्वायर ले लेते हैं, तो इस तरफ पावर आपके पास बच जाएगी 3, और दूसरी तरफ जो सेकंड डेरिवेटिव है d²y/dx² अब जो आपने वो पावर ली है 2, इस तरफ वो 2 पावर आ जाएगी, दूसरी तरफ से कट जाएगी जी। अब इसके अंदर जो डेरिवेटिव था, फर्स्ट डेरिवेटिव भी था, सेकंड डेरिवेटिव भी है, तो इसीलिए इसको ऑर्डर तो हमने मालूम कर लिया कि सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है। लेकिन इसकी डिग्री मालूम करने के लिए सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव के ऊपर पावर चेक करो,
तो सेकंड डेरिवेटिव के ऊपर जो पावर लिखी हुई है वो कितनी है, 2 है ये, तो इसीलिए सेकंड डेरिवेटिव का जो एक्सपोनेंट है, जो उसकी पावर है, वो इसकी डिग्री होगी, तो इसीलिए इस इक्वेशन की जो डिग्री आपके पास है वो 2 है, दिस इज सेकंड डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन। फोर्थ एग्जांपल की तरफ देखें, इसमें ये भी फर्स्ट डेरिवेटिव है, ये भी फर्स्ट डेरिवेटिव है, इसीलिए ये इक्वेशन फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है, दोनों डेरिवेटिव्स के ऊपर पावर 1 है, इसीलिए ये फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन है। इसी तरह फिफ्थ एग्जांपल में देखें, सेकंड डेरिवेटिव्स दिए हुए हैं, इसीलिए इसका ऑर्डर जो होगा वो सेकंड ऑर्डर होगा, और इन तमाम की पावर भी 1 है, इसलिए इस इक्वेशन की जो डिग्री होगी वो भी आपके पास फर्स्ट डिग्री आ जाएगी। जी, नेक्स्ट आपके पास है क्लासिफिकेशन बाय लिनियरिटी। लीनियर इक्वेशन क्या होता है और नॉन लीनियर इक्वेशन क्या होता है, ये फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसको डिफाइन करते हैं कि एन nth ऑर्डर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, जिसको हम इस तरीके से लिखेंगे, इज सेड टू बी लीनियर। इस इक्वेशन को आप कहेंगे कि ये लीनियर इक्वेशन है, कब कहेंगे, अगर ये 3 कंडीशंस फुलफिल हो जाती है। इनमें सबसे पहली कंडीशन ये है, द डिपेंडेंट वेरिएबल y जो है, जो डिपेंडेंट वेरिएबल है, एंड इट्स डेरिवेटिव्स, और उसके जो डेरिवेटिव्स हैं आर ऑल ऑफ फर्स्ट डिग्री, इन तमाम की पावर जो होनी चाहिए वो 1 होनी चाहिए, मतलब उसकी डिग्री जो है वो फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन हो। अच्छा, नेक्स्ट आपके पास सेकंड कंडीशन ये है कि नो प्रोडक्ट ऑफ y एंड एनी ऑफ इट्स डेरिवेटिव, मतलब इक्वेशन के अंदर आपको ये वाली चीज नजर ना आए कि कोई भी डेरिवेटिव डिपेंडेंट वेरिएबल से मल्टीप्लाई ना होता हुआ नजर आए। तीसरी बात है, नो ट्रांसेंडेंटल फंक्शन ऑफ y आर इट्स डेरिवेटिव। अब ये ट्रांसेंडेंटल फंक्शन कौन से होते हैं, जैसे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, तो मैं अगर लिख देता हूं साइन y, तो अब ये डिपेंडेंट वेरिएबल का तो ये वाला अगर प्रेजेंट होगा तो फिर वो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं होगी। इसी तरह किसी भी इक्वेशन के अंदर अगर e की पावर y आ जाती है वो भी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं होगी। ठीक है, तो ये 3 इसके लॉग भी आ जाए, लॉग भी ट्रांसेंडेंटल में आता है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक यूसी में आ जाती है, तो लॉग y भी आपको नजर ना आना चाहिए। Thus the general linear ordinary differential equation of order n can be written in this form. ये नीचे इसकी general form दी हुई है। Next example हमारे पास, इसमें देखें कि एक तो derivative जो है वो first power वाला है और दूसरा जो y dependent variable है इसकी power भी first है। दूसरे derivative और y की जो product है वो भी इसमें मौजूद नहीं है। और ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, लेकिन यहां पर जो इसका एंगल है वो डिपेंडेंट वेरिएबल नहीं है बल्कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। तो इसीलिए ये आपके पास लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाएगी। लेकिन जब हम सेकंड एग्जांपल को देखते हैं, तो सेकंड एग्जांपल के अंदर आप देखें तो यहां पे साइन वाई मौजूद है, तो एक ट्रांसिट ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ गया डिपेंडेंट वेरिएबल में, इसीलिए ये आपके पास नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होगी, ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है। इसी तरह यहां पर एक डेरिवेटिव के जो डिग्री है वो 2 आ गई है, डेरिवेटिव की पावर 2 आ गई, साथ में ये y जो है इसके साथ मल्टीप्लाई भी हो रहा है, तो इन दोनों की वजह से ये नॉन लीनियर इक्वेशन है। इसी तरह यहां पर भी ये जो डेरिवेटिव है इसकी पावर 2 आई हुई है, तो ये भी आपके पास नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। जी, इसी तरह ये आपके पास लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होगी,
लेकिन ये वाली जो एग्जांपल है इसके अंदर जी जी जो है ये डिपेंडेंट वेरिएबल था, तो इसका डेरिवेटिव और इसका इसका प्रोडक्ट आ गया, इसी वजह से इसकी वजह से ये नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं होगी, होगी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं होगी। जबकि सेवंथ एग्जांपल के अंदर जो इक्वेशन है ये भी आपके पास लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। फर्दर इसकी कुछ एग्जांपल्स दी हुई हैं, जैसे ये आपके पास है ये वाली इक्वेशन y माइनस एक्स इंटू डी एक्स फोर एक्स वाई डी वाई, ये भी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, ये भी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, और ये भी आपके पास लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। यहां पर आपके पास y माइनस वन माइनस वाई है और साथ में इसका डेरिवेटिव है, तो डिपेंडेंट वेरिएबल और डेरिवेटिव का प्रोडक्ट आने की वजह से ये नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। यहां पर साइन y आ जाने की वजह से ये आपके पास नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, यहां पर y का स्क्वायर आ जाने की वजह से ये भी आपके पास